मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओए तू पैदा अपने मर्जी से हुआ? नहीं। माँ बाप तेरी मर्जी के थे? नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के जो वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि महंगाई और मईशत की सूरत हाल को बेहतर होने में 3 से 4 माह या कुछ महीने लग सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑपोजिशन 23 मार्च को महंगाई मार्च जो है वो शुरू करने जा रही है। उसकी अभी तक हैद सामने नहीं आई कि वो एक धरने की सूरत इख्तियार करेगा, वो एक लॉन्ग मार्च की सूरत इख्तियार करेगा, या वो जलसों या तकरीरों की हद तक महदूद रहेगा और 1 से 2 दिन में ऑपोजिशन डिस्पर्स हो जाएगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ऑपोजिशन में बिलखसूस PMLN बहुत सख्त स्टांस ले चुकी है, और यहाँ तक PMLN ने कहा है कि हमें अगर आग भी लगाना पड़ी इन मशीनों को और इस इलेक्शन को, तो हम आग लगाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बल्कि राणा सनाउल्ला साहब ने जो इस सारे मामले को तशबीह दी अपने एहतजाज को, वो उन्होंने कहा कि हम TLP से भी ज़्यादा सख्त अंदाज में इस हुकूमत के साथ निपटेंगे अगर ये इस मौक़िफ़ पर कायम रहे। और इसके साथ साथ जो एक अफसोसनाक वाक़या सियालकोट में पेश आया, जिसका इज़्तिराब, जिसकी बेचैनी वो अभी तक महसूस की जा रही है, और पाकिस्तान को जितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है दुनिया में, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी मोतबर तज्जिया निगार बल्कि दानिश्वर हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा हम अगर सियालकोट से आने से ही सर आगाज़ कर लें, तो कितनी खूबसूरत एक तरक्की हम देखते हैं कि शुरू होती है, मुल्क के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, दुनिया में हमारी परसेप्शन बेहतर होने लगती है, हमारे वज़ीर आज़म की आवाज़ दुनिया में जाना शुरू होती है, हम बहुत सारे मामलों पर स्टैंड लेते हैं, हम अमेरिका को भी आंखें दिखाने लग जाते हैं, हम अफगानिस्तान के ऊपर अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, हम किसी के सामने झुकने की बात नहीं करते, हम नो कह देते हैं जहां माजी में हम यस कहते रहे हर फरमान के ऊपर। अचानक एक ऐसा वाकया हो जाता है जिसके बाद फिर हमें हमारी जो परसेप्शन है दुनिया में वो फिर कई साल पीछे चली जाती है। अमीर अब्बास साहब, एक बात ध्यान में रखें, आपने जितनी भी तमहीद बांधी है इसमें जज्बातियत ज़्यादा है, आंखें दिखाने के लिए आंखें होना ज़रूरी है। आप एक इस वक्त ज़ोफ़ के ऐसे आलम तक पहुंचा हुआ है, ऐसे लेवल पे पहुंचा हुआ है मुल्क, इंसानी ज़ोफ़ जब इंतहा पे जाता है तो आपको पता है पलक झपकने की भी ताकत नहीं रहती। ये है आपकी असल हालत, और ये ओवरनाइट नहीं हुई। बाकी सारी माइट सानवी है आज की दुनिया में, ये जहन में रखें। सोवियत यूनियन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय इसके कि इकोनॉमी हाथ से निकल चुकी थी, सो इट कलैप्स्ड। ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये शमशीर और सना बल वगैरह, ये शायरी है सारी, ताऊस और रबाब आखर और फलाना, तो दश्त और दश्त और दरिया भी और घोड़े भी और फलाना, ये इन चीज़ों की कोई औकात नहीं है। आपकी जो फाइनेंशियल माइट है अब स्टेट्स के दरमियान, ये मसल का तो दौर ही नहीं, ये तो अकल का दौर है। इसलिए अच्छा वाकया जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ, ऐसी बीसियों नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। हमारे यहाँ कंसेंसस नाम की कोई चीज़ नहीं, मुसद्दस से हाली पढ़ लें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मच बिफोर पार्टीशन कैरेक्टर असल में है क्या, कंसेंसस नाम की चीज़ अगर घर में ना हो तो घर नहीं चलता। इत्तफाक़े राय अगर घर में ना हो, जितने लोग हों उतनी ही डायरेक्शंस हों, तो घर कलैप्स कर जाएगा। परचून की दुकान नहीं चल रही, आप इस तरह पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमारे यहाँ तो भाई मेरे अजान के वक्त पे इत्तेफाक नहीं,
देखें मेरी आपकी अजान में अगर तो फर्क है कुछ डेढ़ घंटे का दो घंटे का, ओवरलैपिंग हो रही होती है, कोई कहता है जुमे की छुट्टी, कोई कहता है इतवार की छुट्टी, आपके तो दुनिया जहान का हर नॉन इशू अमीर अब्बास साहब वो आपका इशू है। तो ये तो जिसे कहना चाहिए लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है जो सियालकोट पे हुआ, ये ताबूत में आखिरी कील, इससे पहले क्या होता रहा है? और खुदा की पनाह 74 साल की आजादी, नाम निहाद आजादी, सो कॉल्ड आजादी, आजादी का मतलब होता है गुर्बत से आजादी, बहरूमी से आजादी, एस्टेब्लिशमेंट के छितरों से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बीमारी से आजादी, मौत बरहक है, बीमारी बीमार का इलाज तो बरहक, अच्छा इस तरह नहीं है। ये जो उस गरीब परदेसी एक मुसाफिर के साथ, एक गैर मुल्की के साथ, एक मेहमान के साथ जो आपने किया है, तो ये यहां तक पहुंचना था, आपने अपनों के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया, तो फिर गैर मुल्की था। और देखो ये सूरत हाल ही और है, अंदाजा लगाएं 74 साल बाद हमारी अस्करी क्यादत और सियासी क्यादत को इकट्ठे बैठ के क्या कहना पड़ रहा है, हुजूम को कानून के साथ नहीं खेलने देंगे 74 साल बाद, ये आप मुझे इतला दे रहे हैं, अच्छा थैंक यू वेरी मच जी। हुजूम को, ये ब्लैकमेलर्स हैं, रॉबर्ट कैनेडी ने पता नहीं अशरों पहले कहा था कि इस तरह के मुश्तैल और ये पागलपन की नुमाइंदगी करते हैं हुजूम, ये पीपल्स वॉइस नहीं होते। मैंने दो दिन पहले रॉबर्ट कैनेडी का वो सारा अंग्रेजी में वो जुमले उसके कोट किए, आपने तो किया ही कुछ नहीं, ना को तालीम है ना तरबियत है, सवाए इस्तेहसाल के, और इस्तेहसाल भी आखिरी हद तक आपने मजहब को भी इस्तेहसाल का टूल बनाया, क्या क्या यहां देखें, डूब मरने के लिए मेरे और आप जैसे के लिए इतना ही काफी है। तहरीके निजामे मुस्तफा बना क्या था, पहुंचे कहां, रियासत मदीना, वो यही तो पीएनए का नारा था। तहरीके निजामे मुस्तफा का मतलब क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, नोबडी मींस एनीथिंग, करतूत आपके कुछ हैं, अकवाल आपके कुछ हैं, अफाल आपके कुछ हैं, कॉल कुछ कह रहा है, फेल कुछ कह रहा है, इट्स अ कंफ्यूज्ड। ये देखो हम एक कौम शाम तो बहुत बड़ी बात होती है, हम तो एक इंतहाई टेंस और एबनॉर्मल किस्म का हुजूम है जिसमें जहरीले सांप छोड़ दिए गए हैं। एक अब मेरा हाथ आपकी पगड़ी पे, आपका हाथ मेरी पगड़ी पे, बिल्कुल आपका हाथ मेरी जेब में, मेरा हाथ आपकी जेब में, अब खुदा का खौफ करें, ये मुल्क चला रहे हो आप। ये अभी बुज़ार साहब ने छापा मारा है उस सेक्रेटरी सियाहत वगैरह या क्या, वो 10:30 बजे ऑफिस में बंदा कोई नहीं था, यू कॉल दैट अ कंट्री, इस तरह नहीं होता भाई मेरे, कुछ और करने की जरूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि कुछ और करने की जरूरत है, इस पे मैं आज आपसे सहर हासिल, मैंने आपसे बात करनी है कि वाकई ये तो सब कुछ जो हो रहा है, जो निजाम है ये तो डिलीवर नहीं कर पा रहा, वो क्या हो सकता है। मैं एक इस पे एक और सवाल करके सर, जब इस प्रियंथा कुमारा की राख, लाश तो नहीं कह सकते, उसकी राख जब कोलंबो पहुंची होगी सर, तो वो मगरिब की दुनिया, वो तरक्की याफ्ता माशरत और दुनिया के जहां पे आप अपने घर में लगा हुआ दरख्त नहीं काट सकते हैं, जहां कुत्तों और बिल्लियों के लिए हॉस्टल्स बना दिए गए हैं कि जो घर में नहीं पाल सकते वो हॉस्टल में लेकर आए, जब उस दुनिया तक ये खबर पहुंची होगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक इल्जाम लगा के एक इंसान को मार मार के मार दिया और फिर उसकी लाश को जला दिया, क्या पल्ले रहा होगा सर पाकिस्तान के। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक अमेरिकन ने कहा था
मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये सारे अखबारात में रिपोर्ट हुआ था कि डॉलर्स के लिए तो ये लोग अपनी माँ भी बेच सकते हैं। तब आपके पल्ले क्या था बताएं? आपके पल्ले पुल्ले मुद्दतों से कुछ नहीं है। सूरत हाल ये है कि ये दलदल में फंसा हुआ जो आदमी होता है उसको चाहिए हाथ पांव भी ना मारे, चूंकि दैट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस, डूबने की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप पल्ले की बात कर रहे हैं, ये इस तरह का को पहली बार वाकया हुआ है, ये मतलब एक लंबी तारीख है ऐसे वाकयात की। कुछ भी नहीं उन्होंने कहा होगा, ठीक है ये माशाल्लाह माइले परवाज हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने गैर मुल्की सिर्फ मारा ही नहीं है, मारे तो कई हैं आपने, ये मारा ही नहीं है, इन्होंने जला दिया है, माशाल्लाह प्रमोट हो गए, एक कदम आगे चले गए। और देखें हमारा नेशनल कैरेक्टर है अमीर अब्बास साहब, जब तक सैलाब का पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए हम आप रिएक्ट ही नहीं करते। जब तक मर्ज डॉक्टर्स ये ना कह दें कि बस ये गया, तब तक आपको होश नहीं आती। इंतहा जब तक अपनी इंतहा तक नहीं पहुंच जाती आप रिएक्ट ही नहीं करते। मुझे बताओ 74 साल हो गए हैं, 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है, बच्चे आपसे पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, पेट उनके भरे नहीं जा रहे हैं, बेरोजगारों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, मरीजों को आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, आवाम को आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं। ओए ये क्या है? और पॉपुलेशन मैनेजमेंट का जिक्र ही कोई नहीं, 24-25 करोड़ संभाला नहीं जा रहा, कल जब हुआ ये 35-40-45 करोड़। मार्क्स की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, मैं समझा देता हूं आपको, कैलकुलेट कर लो, मैं आपको सन बता दूंगा। पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4 के तरीके से नहीं बढ़ती, ये बढ़ती है 2, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 64 जरब दो। तो आपने तो कल की बात है भाई, इट्स गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू इयर्स, आप पहुंचोगे 35 तो बंदा बंदे को खाएगा जो काम पहले ही शुरू हो गया। ये बंदों ने बंदा ही खाया है और क्या किया है? पहले कच्चा चबा जाते थे, अब रोस्ट बना दिया उसका, और खाने की किस्में होती हैं। वो यार एक ऑफिस में 10:30 बजे तक सरकारी मुलाजिम ही कोई नहीं, इस्लाम के वो भी ठेकेदार होंगे, बात करके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसकी बात कर रहे हो कि कब पल्ले? वो जो अमेरिकन ने कहा पाकिस्तान में बड़ा तू तू मेहमा हुई थी, मैं चुप रहा, मैंने कहा मैं इस पर क्या लिखूंगा, के तो डॉलर के लिए अपना, मतलब ये तो सूरत हाल है। आपके ऊपर कैसी कैसी जजमेंट्स नहीं आ सकी, आ चुकी, मुझे बताएं आप, कॉन्ट्रडिक्शंस तजादात से भरा हुआ एक अजीबो गरीब जादू नगरी है। मुझे एक बात बताओ आप, 20वें 22वें ग्रेड के अफसर की टेक होम, घर तो उसका सरकारी है, हो गया, नौकर मुलाजम सरकारी, गाड़ियां भी सरकारी, सारा कुछ, 20वें ग्रेड का मुलाजम अपनी तनख्वाह में 4 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा के दिखा दे, मुझे आप फांसी चढ़ा दो। बताएं मुझे, मुझे नहीं पता टेक होम कितना है, ढंग के किसी स्कूल में 4 बच्चे, लोग जो जिंदा हैं मेजॉरिटी वो इस बात की शहादत है कि हराम पे जिंदा है। एक कस्टम इंस्पेक्टर है, एक फूड इंस्पेक्टर है, एक ड्रग इंस्पेक्टर है, एक SHO है, उसका टेक होम तो देखो, इलॉजिकल है ना यार। बिल्कुल, कितने लोगों के इन लॉज या उसके माँ बाप इतने तगड़े होंगे कि उनको वो लुक आफ्टर कर सके? मेरा ख्याल है शायद 50,000 लाख में कोई एक आध खानदान होगा, जो ससुराल तगड़े होंगे या माँ बाप इतने तगड़े होंगे कि उनको को हेल्प कर सके, बाकी कैसे जिंदा है? ये जो फैसलाबाद का हादसा हुआ निकला क्या? सही, वो खुदा की पनाह है,
जहाँ इंसान होता है, मैं कोई मिसालियत पसंद आदमी नहीं हूँ, मैं आइडलिस्ट नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि जहाँ इंसान होता है वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, लेकिन यार खुदा का खौफ करो वो हद होती है। हम अनोखे इंसान हैं, यहाँ तो जुर्म और गुनाह के अलावा है ही कुछ नहीं। एबनॉर्मल मुआशरा, एबनॉर्मल, और आपने ठोक बजा के किया, जानबूझ के किया, ये बंद कर दो वो बंद कर दो। और मैंने तो चंद दिन पहले लिखा है एनेस्थीजिया बंद करो, बेहोश करने की, मदहोश करने की या सेंसेस गवाने की आखिरी इंतहा है कि एक बंदे की सर्जरी हो रही होती, उसको पता नहीं होता, वो बंद करो एनेस्थीजिया भाई। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, होशो हवास में सर्जरी कराओ, बच जाते नहीं बचे ना सही। एक एबनॉर्मल मुआशरा है, एक साइंटिफिक मुआशरा है ही नहीं, ये अपने अहद के साथ हम हंग मुआशरा है ही नहीं। वो कहते ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, मैं कहता हूं मुझे अपने मुआशरे कोई कल सीधी दिखा दें आप, ये तालीम दे रहे हो आप, पूरी कौम अपने आप को धोखा दे रही है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, मैं खुद भी कभी स्टूडेंट था, यही पंजाब यूनिवर्सिटी थी, यही न्यू कैंपस था, यही हॉस्टल नंबर 1 था। खुदा की कसम आपको बता नहीं सकता अमीर अब्बास साहब, मेरे पास बच्चे इकट्ठे होके आते हैं, मोस्टली वो ज़्यादातर होते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के। उनसे मैं पूछता हूँ कि बेटा अच्छा आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में या उर्दू में आपने कृष्ण चंद्र को, बेदी को, मंटो साहब को पढ़ा, गुलाम अब्बास साहब को पढ़ा, कासमी साहब को पढ़ा। वो कहते हैं नहीं नहीं हम लिटरेचर के नहीं, हम मैथ्स कॉम के। वो तो मैं उनको समझाता हूँ कि तुम कम्युनिकेशन तो किसी जबान में करोगे ना बदनसीबो, अगर तुम्हें जबान ही नहीं आती तुमने खाक कम्युनिकेट करना है भाई, इंग्लिश में करोगे, उर्दू में करोगे, फारसी में करोगे, वो जिस जबान में तुमने कम्युनिकेट करना है उस पर तुम्हारा थोड़ा बहुत, मैं अबूर नहीं कहता, वो तो हमने जिंदगियां गाल दी, अबूर शबूर किसी को नहीं होता, लेकिन एक 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 सर्टन लेवल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, कचरा। अब सर ये जो कचरा है ये बच्चों सिर्फ, को आप खालिस दूध नहीं दे सके, ये सर कचरा जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ, एक तो कचरा जो है वैसे भी सारा हमारा मुल्की कचरा है, जो जगह जगह पे गंदगी गिलाजत के ढेर, एक तो वो कचरा, दूसरा आप ज़हनी कचरा, माशरती कचरा, समाजी कचरा, निज़ाम कचरा, अखलाकियात कचरा, तालीम कचरा, सेहत कचरा, इदारे कचरा, ये हर चीज़ ही कचरा पे बनते हैं, सारा मुल्की मतलब कचरा कुंडी होता। इमरान खान साहब का वो सारा विजन, अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि पुलिस और अदालत सबसे बदतरी। बात साहब आप यार बात सुनो, मैं प्लीज मैं आपसे बहुत बेहतर एक्सपेक्ट करता हूं, ये मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं करता। तो इमरान खान को बेचारे को किधर ले आए हो बीच में, जस्ट 74 साल की कहानी है, जितना पुराना जख्म होगा, जितना पुराना मर्ज होगा, उतना ही तवील इलाज होगा। प्लीज इमरान खान से जान छुड़ा लो, लेकिन उसे माफ कर दो, इल्जाम मत दो उसको कोई, इट्स टू अर्ली। आपने अशरे गंवा दिए बर्बाद करने में, वो कोई जादूगर तो नहीं, तजर्बा भी नहीं है, टीम भी अनाड़ियों की है, बेशुमार माइनसेस हैं, लेकिन यू कैन नॉट ब्लेम, जिस आदमी का जमीर जिंदा होगा तो इमरान का नाम नहीं लेगा। यहां तक पहुंचाया किसी ने, ये पिछले दिनों किसी अखबार में मुवाजना था, इवन ज़ियाउल हक का, मैन आई डोंट लाइक, अल्लाह उस बंदे की मगफरत करे, तो चला गया इस दुनिया से जैसे भी गया, लेकिन ज़ियाउल हक का जमाना बेहतर था। फिर एक गैप है, परवेज मुशरफ साहब का, फलाना अयूब खान का, ये कोई एक मुवाजना था 3-4 दिन पहले, पता नहीं किस अखबार में था, कहाँ था मुझे अब याद नहीं आ रहा, पर कैपिटल इनकम कितनी थी, बेरोजगारी कितनी, फला कितना। ये तो क्या, जिस मुल्क की रेलवे की पटड़ियों पे मार्केट्स बन जाएं, जहां कब्जा ग्रुप बाकायदा प्रोफेशन हो, जिस मुल्क में पुलिस में वांटेड बंदे पुलिस में भर्ती किए गए हों,
नवाज शरीफ ने ये रिवाज डाले थे सर, तो उसमें इमरान खान को पकड़ के बैठ जाना। वो कर्जा जो है ये कहते हैं जैसे खरगोशनी बच्चे देती है या जैसे कुतिया बच्चे जनती है, कर्जा इस तरह बढ़ता है। ये मुहावरे हैं, ये गैर पार्लियामेंट जमान नहीं, बिल्कुल मुहावरतन है। कोई ऐसे तो ये तो खरगोशनी बच्चे नहीं जनती, ऐसे तो कुतिया बच्चे नहीं जनती। तो कर्जा बड़ी भयानक चीज है। चौधरी मोहम्मद अली ने पता नहीं कितने, मैं कहने लगा था कितने सौ साल पहले कहा था कि ये जो कल्चर इस मुल्क में आ गया है तो वो वक्त फिर दूर नहीं होना जब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। तो इमरान ने क्या किया? और मैं आपको कहूंगा, मुझे पता है किसी खोपड़ी में नहीं घुस नहीं पा कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, अब बताएं। लेकिन ये क्या बात हुई? ये ड्रामे देखते हैं, सीखते तो कुछ नहीं। ये जो ये उस्मान गाजी और ये वो, उसमें होता क्या है? या वो जो अर्तुगरुल वगैरह जी, मेरी चूंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मेरी कमजोरी है उसमें, भाई मेरे जब तीर लगता है पूरी ताकत से तो उसकी तकलीफ नहीं होती। ये ऐसे ही जैसे शेव करते हुए कट लग गया, पता भी नहीं लगता, खून दे के पता लगता है यहां। लेकिन जब तीर निकाला जाता है, पाकिस्तान के जिस्म से तीर निकाले जा रहे हैं, जंगड़े तो आएंगी। क्योंकि तीर आगे से कभी देखा है ना कैसा होता है? बिल्कुल, वो जाता है सीधा, पता ही नहीं लगता। जब निकाला जाता है फिर बड़े बड़े दलेर की चंगड़े निकलती हैं। अब एक नहीं, पाकिस्तान, और मैं पहले कह चुका हूं, इमरान तो पता नहीं अभी कहां था, मैं कहा करता था कि पाकिस्तान अगर एक जिस्म है तो इसके हर मुसाम में इन्होंने स्ट्रॉ, स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ गाड़ के उसका खून पी रहे हैं। तब तो कोई नहीं सुनता था। ये अजीबो गरीब बात है। अच्छा, फिर जब तीर निकाले जाते हैं उसके बाद ये तो नहीं लिखा होता तीर पे कि जहरीला था कि नहीं। भाई मेरे, जख्म दागना पड़ता है। अगर ये सारी अजियत बर्दाश्त कर सकते हो तो भले वक्त का इंतजार करो, सही नहीं कर सकते तो आपका अल्लाह वारस है। अच्छा, अब वो जो भला वक्त है, इंडियन है, जो आपने सर भले वक्त की बात की, तो अब हम चूंकि एक वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी में है तो इसमें तो एक पाँच साल का पहिया है, वो घूम रहा है। पाँच साल के बाद इलेक्शन, फिर इलेक्शन, तो अभी 2023 में इलेक्शन देखते हैं उसमें कौन सामने आता है, फिर उसके बाद 28 में इलेक्शन। तो ये जो पहिया घूम रहा है, इस पहिए में अब जो पौने दो साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है, क्या माहौल बन सकता है? एक ब्रेक के बाद हसन इस्तार साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी, तज्जिया निगार, दानिश्वर हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक शेर है कि दिल के टुकड़ों को बगल बगल गिर लिए फिरता हूँ, कुछ इलाज इनका भी है, शीशा गिरा है कि नहीं। तो ये जो शीशा गरी है, अब एक मौका इमरान खान साहब के पास आया, ना जाने अगला मौका किसको मिलेगा 2023 में। सिस्टम निज़ाम वही जूँ का तूँ, इदारे भी वैसे ही, समाज भी वैसे ही, कोई चीज़ बदलनी नहीं है। अब आगे वो कैसे बदल सकती है, वो कौन सा निज़ाम लाया जाना चाहिए, वो कौन ला सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है इस वक्त। यह जो बात आपने की है ना कि निज़ाम, मैं मुझे 30 साल हो गए हैं और 30 साल में कम से कम मैं 60 बार एक टर्म इस्तेमाल कर चुका हूँ, आदमखोर निज़ाम। ये आदमखोर निज़ाम और ये इंसानों का कातिल है, ये दुश्मन है। और जो बात आपने की डेमोक्रेसी, पहली बात तो ये है कि उसका मुसलमानों की जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में इक्तदार की फिलॉसफी ये है, गौर से सुने, कि जो बंदा खुद को किसी मनसब या ओहदे के लिए पेश करता है वो उसके लिए बदतरीन आदमी होता है। कहां ये पार्टियां बनाते या पार्टियों में घुसते, फिर चमचागिरियां करते, फिर पार्टी फंड्स देते, फिर टिकट लेते, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते,
वोट मांगने, भीख मांगने जाते, सब्ज बाग दिखाते, वो उसमें धांधली भी करते, प्री पोल रिगिंग भी, ड्यूरिंग पोल भी, उसके बाद भी सारा करते कराते। ये डेमोक्रेसी है। अच्छा, आप अगर मगरबी जमहूरियत की बात करो, ये तो उसकी भी पैरोडी है, ये जुगाड़ है भाई। कोई इस मुल्क में किसका वोट होना है यार? जिस बंदे के पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है? तसव्वुरी बोगस है। हम चूंकि इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग हैं, पीछे पीछे भाग हैं हम लोग, पता नहीं क्या उसे को और उल्टा निकल जाएगा। ये नहीं होना इसके होते हुए। आई एम एब्सोल्यूटली क्लियर, पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी वगैरह का ढोंग अगर इस मुल्क को बनाना है, इसको पहले बचाना है फिर इसको बनाना है, तो डेमोक्रेसी वगैरह इस निज़ाम के होते हुए, इस गंद के, ये बैलेट बॉक्स नहीं है, ये कब्र है आवाम की। ये जो फैशनी उठ के कहते हैं ना, ये खास क्राउड है इस मुल्क में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओए, तू पैदा अपने मर्जी से हुआ? नहीं। माँ बाप तेरी मर्जी के थे? नहीं। बहन भाई तेरी मर्जी के थे? नहीं। मजहब तेरी मर्जी का था? नहीं। जिसमें तू पैदा हुआ, मुल्क तेरी मर्जी का था? नहीं। तेरा ब्लड ग्रुप तेरी मर्जी का था? नहीं। तेरा कद, तेरी शक्ल, तेरा थोबड़ा तेरी नहीं। ओए, मौत तुझे तेरी मर्जी से आनी है? नहीं। तो तेरा जिस्म तेरी मर्जी कैसी हो गई है? हम इंटेलेक्चुअली बांझ लोग हैं, बंजर जमीन है ये। ऑब्वियस तरीन, ये बैलेट बॉक्स और फलाना, ये सारी ड्रिल, सारी ये बकवास है। और खास तौर पे पार्लियामानी निजाम नहीं, देखो बात सुनो, पूरे आलम इस्लाम में मुझे बताओ जेन्युइन जमहूरियत। मैं तो मगरबी जमहूरियत पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ओके फाइन, एक्सेप्टेड। वो तो हो खालस, वो हो नहीं सकती। और जो माँ है जमहूरियत की, वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड में जरा पता तो करो, नेक्स्ट टाइम जब बात करें मुझे बताना। आप बताओगे, वरना हम इकट्ठे नहीं होंगे प्रोग्राम में। आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से मराहल में गुजर के हर बालक बंदा वोटर बना था। वेस्टर्न डेमोक्रेसी की एक तारीफ है, मैं तारीख है, मैंने उन्हें लिखी। इधर क्या है? जिस बंदे को सही गलत का नहीं पता, स्याह सफेद की तमीज नहीं है, जो फक्कों का, गुर्बतों का, ठुडे का, थाने का, कचहरी का मारा हुआ, वहां एक कंट उठा बदमाश, जिसके पास आगे बदमाश भी हैं, मवाली भी हैं, उसके पास पैसा भी है, उसके पास छितर भी है, वोट हांकता है, वोट वोटों का हांका होता है। ये जो मेरा बड़ा जुबान जदयाम है, वो तो मुहावरा ही बन गया है, ये जलसों जुलूसों पे लोग, इंसान नहीं नाच रहे होते, ये कीमे वाले नान नाचते हैं, कुछ भी नहीं होता इनके पले। इंसान होने के लिए याद रखना, इंसानों से मुशाबहत जरूरी नहीं है। जब मैं कहता हूं ना, कोई इंसानी हकूक नहीं यहां, बुलशिट, ये लग्जरी You cannot afford. मैं इसलिए इंसान हूं कि मेरी इंसानों से शक्ल सूरत शबात मिलती। इंसानी हकूक के लिए पहले साबित करो तुम इंसान हो। 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, मुर्दा औरत कब्र से, मैंने कहा उसकी बेहुरमती करने वाले, इनके भी इंसानी हकूक होंगे, या इनके भी होंगे जिन्होंने उस मासूम श्रीलंकन को, जो अपने 2 मासूम बच्चे पालने आया था, उसको जिंदा जला दिया। ये इंसान है, बिल्कुल सही। ये मुल्क है बड़ा दिलचस्प। भौंकने की आजादी भी चाहिए। अच्छा, बोलने की आजादी तो समझ में आती है, मेरा तो पेशा है बोलना और लिखना, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो भौंकने की तो मुझे आजादी नहीं होनी चाहिए, काटने की, ये तो कहते हैं भौंकने की भी आजादी दो, काटने की भी आजादी दो, और फिर इस पे भी पाबंदी लगाओ कि वो जो टीके लगते हैं बाद में, वो भी नहीं लगाएगा मरीज। क्या तमाशा है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इंसानी हकूक, ये मरहला वार है यार।
सोसाइटी जब एक खास लेवल पे खास सफर करती है, यही अमेरिकन से जो अपने काले मुलाजमीन के बच्चे बेच दिया करते थे, इनके भी जो मुलाजम होते थे वो रूट्स है एलेक्स हेले का नॉवेल, वो पढ़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो यहां तक आए। अभी भी एक लंबा सफर है उनका। स्कैंडिनेवियंस की अपनी तारीख है, हमारी एक अपनी तारीख है, कभी पढ़ के तो देखो, मुसद्दस हाली पढ़ लो, पता लग जाएगा औकात क्या है। बिल्कुल सही। एक सवाल छोड़े जाता हूं आपके पास में, आपने इतने पूछे, मैं एक पूछता हूं। जी। 24-25 करोड़ यहां प्लस माइनस इतना इंडिया में मुसलमान, इतना ही बांग्लादेश में लगा लो, ये 75 करोड़ जो है, ये 75 करोड़ कहां से, हमारा ओरिजिन क्या है, इनमें अरब ओरिजिन के कितने, सेंट्रल एशियन कितने, ईरानियन कितने, अफगानिस्तान, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, फिर ताजे बर्तानिया का सिलसिला शुरू हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी, बिकॉज बंदा अपग्रेड होता है, इंसानों को आश्रय चाहिए होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई फैम ही नहीं है, दीन की बुनियादी चीजों का फैम नहीं है। जिसको देखो शरीयत की बात करता है, शरिया, ये तो शरीयत कहते हैं, शरिया, वो शरिया कहते हैं मुसलसल बहते हुए पानी को, अगर वो चंद दिन रुक जाए टर्न्स इनटू करीहा, जबरदस्त, तो पानी कब का रुका हुआ, बहते पानी को नाफिज कैसे करोगे आप, लेकिन नहीं ना कोई सवाल का, यहां बुनियादी अल्फाज के मतलब पूछ लें अमीर अब्बास साहब, सारी कहानी पूछें, किसी से ज़कात का क्या मतलब, पूछें किसी से सब्र का क्या मतलब, पूछें किसी से इंतकाम का लुगवी मतलब पूछें, वो यहां तो मस्जिदों में पढ़ाया जाता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जुमा, शुरू करता हूं साथ नाम अल्लाह के जो रहमान और रहीम, ये शुरू करता हूं कहां से आ गया, वो चंद लफ्जों में वो तीन लफ्ज अपने शुरू करता हूं साथ की कहां से, आपने अपनी तरफ से डाल दी, बच्चों को ये यूं 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 पढ़ रहे होते हैं, बुनियादी लफ्ज सब्र है, खुमर है, शराब के लिए खुमर का ओरिजिन क्या है पता ही कख नहीं, नाहल तरीन बंदा सियासतदान है जिसको कख नहीं पता, वो आपका वाइज है या ये तो क्या है, कहते हो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बिल्कुल सही बात, अब का तो बुनियादी तौर पे कोई वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, अब वो राइट सिस्टम की भी जरा अगर हम बात करें तो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, इमरान खान साहब ये वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि इलेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा, और नून लीग कह रही है कि अगर होगा तो फिर हम मशीन को जला के दिखाएंगे, हम भी देखते हैं कि इमरान खान इलेक्शन कैसे करवाता है, ये तो डेडलॉक हो गया सर, अब बनेगा क्या, वो कह रहे हैं होने नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं हो के रहेगा, आपके डेडलॉक से बहुत पुराने हैं, ये कोई नया है, वो कायदे आजम के बारे में जो मुखालिफीन थे वो काफर आजम तक जैसी बेहुदा जबान इस्तेमाल करते थे, उन्हें कभी शर्म हया नहीं आई थी, उनकी कभी गैरत नहीं जागी थी कि ये एक ऐसा आलीशान दयानतदार आदमी है जिसको उसके हरीफ, उसके सियासी दुश्मन हरीफ वो भी कहते हैं कि इज इनकरप्टेबल, ही इज अनपरचेसेबल, ना पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, यहां कोई दीन ईमान नहीं है, मैं और आप अगर राइवल्स हैं तो फिर हमें साथ खून माफ है, जिसका चाहे जो मर्जी कर लो, अब असूलन कंसेंसस होना चाहिए, कंसेंसस हमारे मिजाज में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है, असूलन तो कैसे आप वन वे फैसला कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपोजिशन के बारे में ये जो सो कॉल्ड गंदा आदमखोर निजाम है वो इसी की इज्जत कर लो, अपोजिशन बुनियादी तौर पे समझी जाती है नेक्स्ट गवर्नमेंट, सही ऐसा ही है, बिल्कुल, तो लूप में लेके चलो भाई, उनके साथ बात करो, कोई डायलॉग करो, एक तरफा आप करने चलो वो भी गलत है,
इनका ये कहना कि जी हम यूं ही कर देंगे, पर फिर क्या है, कर दो कोई अमीर। देखो आपके जो पहले रूलर्स हैं खिलाफत राशिदा को अलहदा रख के आप जरा आगे चलो तो बनू उमैया है, बनू उमैया को रिप्लेस किया बनू अब्बास ने, उनकी कब्रें भी खोद दी, उनके मुर्दे लटका दिए उन्होंने, तारीख है मैंने नहीं लिखी, और अगर मैंने गलत पढ़ी है तो तुम लोगों ने पढ़ाई है मुझे, वो किताबें बैन करो फिर। तो इसलिए नहीं, आपका एक तारीख, देखो हम बातें बड़ी करते हैं, मुसलमानों की हुकूमत थी 850-900 साल, वो मुसलमानों की 2021 में नहीं है इस मुल्क में, जो लोकल है कोई कश्मीरी है कोई अपना यहाँ लोकल पठान को पठान, वह मकामी है। तो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया होगा गजनवियों गौरियों और सलातीन दिल्ली ने, कल काम नहीं करती। अगर 2021 में इस मुल्क के आम आदमी के साथ ये हो रहा है तो आप मुझे बता दो कि आज से 500 साल पहले क्या होता। मुहावरों से ही सीख लो, आपका तो मुहावरा है दो वक्त की रोटी, रूखी सूखी खा ठंडा पानी पिए, तो पुराना रोना आपका। आज तो फिर कोई नान छोले खा लेते हो तो ये भी नसीब नहीं थे, तो कहने को मुसलमानों की हुकूमत थी। बाबर आया ना तो उसका पहला मकतूल कौन है, इब्राहिम लोदी जो तहज्जुद गुजार आदमी था, और जो बाकी तो मारो गोली ही, वो तुर्क था ये पठान था लोदी था, वो आपस में ही फिर मुगलों ने क्या क्या नहीं किया। शेरशाह सूरी हुमायूं को भी दोनों मुसलमान भाई थे, ये बरादर इस्लामी भाई अफगानिस्तान हमारे साथ मिल जाए, हम बड़ा मुल्क हैं, हमारी आबादी भी ज़्यादा है, हम एटमी ताकत भी हैं, बरादर बरादर क्या हुआ, मिलके कारोबार करते हैं ना, आओ। यही वजह काफी होती तो बांग्लादेश क्यों बनता। ये सके भाई यार रोजमर्रा की जिंदगी से भी नहीं सीखते हम, सके भाइयों के दरमियान मफादात जरा टकराए अलग, घर भी अलग था कारोबार भी बांट लिया, ये होता नहीं रोज। बिल्कुल, बड़े बड़े खानदान आपके सामने है, सैगल से शुरू करके सर्विस वालों तक आ जाएं आप देख लें, होता है नॉर्मल है। सो बिरादर ये फलाना, हम अजीबो गरीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका हकायक से कोई तल्लुक नहीं होता। अब पाक चीन दोस्ती, ओ भाई वेस्ट जो है यूरोप अमेरिका कनाडा, वो ये तो अहले किताब है, वो तो अहले किताब है, तो इनकी तो मैं किसी किताब से वाकिफ नहीं हूं। नो पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, ओ भाई मफादात मुल्कों के दरमियान मफादात होते हैं, सगे भाइयों के दरमियान भी होते हैं, बात बुरी नहीं है। तुम मुझको रोमांस, ये पाक चाइना फ्रेंडशिप, इसमें पता नहीं हीर कौन है, रांझा कौन है, लला कौन है, मजनू कौन है, शीरी कौन है, फरहाद कौन है, वो इस तरह चलते हैं मुल्क और कौमें। अब कौमों को भी अपनी कौम को खुद जाहिल बनाते हैं इस तरह के डायलॉग, फॉलोअप से मजबूत, वाह क्यों पता नहीं कहां किस दुनिया में किन जमानों में रह रहे हैं, ऐ दुलतियां झाड़ रहे हैं, ना हकाय का पता है, ना कोई सिर है ना पैर है। कितने फीसद लोग होंगे इस मुल्क में जिन्होंने जिन्होंने संजीदगी से मतानत से दयानत से पूरी तहरीक पाकिस्तान का मुतालिया किया, रीजंस क्या थी, हुआ क्या, फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, कख नहीं पता। बिल्कुल सही, दबाया हुआ है। दो सवाल सर, और तुम्हारी बेस्ट के साथ तो बनी नहीं, जिन्होंने आपको पाला पोसा उनके साथ बनी, आप इधर उल्टे हुए हुए हो। महा तो ठीक है, फिर देखना कभी कोई इस मुल्क में, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन जो हिंट दे रहा है मुख्तलिफ किस्म के, वही नेक्स्ट डोर सुपर पावर तो हजारों मील दूर नहीं मान होती, तो पड़ोस में है, उनके हमारे दरमियान तो कोई कदर मुश्तरक ही नहीं है सवाए इसके कि वो यूं उनका हाथ है और हमारा यूं है बस। तो इसको रोमांटिसाइज ना करो भाई, रियलिस्टिक हो जाओ, हकीकत पसंदी, जमीनी हकायक, ये शहद से मीठी, वो शहद से मीठी, अच्छा
देखेंगे 25-30-40 साल बाद ये शायद कितना का मीठा है। कोई नहीं अक्ल उकल, कोई नहीं। सही है। दो आखिरी सवाल सर, जज्बाती इस्तेहसाल, दो आखिरी सवाल जी। एक तो ये जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक आ गई, फिर राणा शमीम साहब का हल्फ बयान अल्फी आ गया, तो ये शरीफ खानदान को ये फायदा पहुंचा रहा है या उनको डैमेज कर रहा है ये? देखिए बात सुने, मैंने पहले भी ये मर्ज कर रहा था, आशिकों की कौम है जिसकी जहां आंख लड़ी हुई है और उसके मफादात वाबस्ता है, वो शैतान भी होगा तो मैंने नहीं पीछे हटना। चल जो इमरान का आशिक है उसने उसी बुत की पूजा करनी है। ये शख्सियत परस्त कौम है, ये बुत परस्ती से ज्यादा भयानक। मैं तो कह के तंग आ गया कि यार बुत का पूजना इतना बुरा नहीं है जितना शख्सियतों का, क्योंकि बुत बेजान चीज है। अब अगर यहां मुजस्मा को पड़ा हो उसकी मैं पूजा करता रहूं, इसका को दिमाग खराब होना है। अगर मैं बंदे का जी जनाब सदके बारी मियां दे नारे बजन के तो जिंदा है भुट्टो, जिंदा है और फलाना है टमकाना है करता रहूंगा तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो बुत परस्त से बदतर हूं। अच्छा, वो भुट्टो से याद आया हसन साहब, पीपल्स पार्टी वापसी पंजाब में, ये लाहौर जिमनी इलेक्शन में बड़े वोट ले गई है, पंजाब में पीपल्स पार्टी आएगी, बिलावल करेंगे लीड, उसको लाएंगे? देखें अगर ये अकल से काम करेंगे तो शायद। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने पहले भी कहीं की है, शायद लिखा भी है कॉलम में, लिखा मुझे अब याद नहीं आ रहा, कि अगर ये जो शाइस्ता परवेज मलिक हैं, ये चूंकि बहुत नेक नाम रिस्पेक्टेड खानदान है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, अगर बीबी शाइस्ता या उनका कोई और कोई बेटा ये वो होता तो वो फिर नहीं, अगर इनके अलावा किसी और को टिकट नून लीग देती, असलम गिल साहब इससे ज्यादा वोट लेते। अच्छा, वजह क्या है? ये संजीदगी से काम कर रहे हैं, नंबर वन। राजा परवेज अशरफ साहब मेहनत कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, और अच्छा जितना गुड़ डालो उतना मीठा, मेहनत मूलत ये वो सारा पुराना फलसफा है। अब वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग अप, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू सरेंडर, और वो एफर्ट पे लगे हुए हैं। और एक बात और, ये नाजुक है, वो अब पीपल्स, देखो सियासत में खरीदो फरोख्त, सियासत को कारोबार धंधा दुकान छाबड़ी बनाया नवाज शरीफ ने, ये इनका कल्चर है बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का जहला तो भूखा नंगा कोड़े खाता था, उसकी तो दुनिया ही और थी। इन लोगों को कई साल तक समझ नहीं आई पीपल्स पार्टी वालों, अब इनको उनकी विकेट पे लड़ना होगा। खत्म, इसका कोई वोटर शोटर नहीं है। हाशिम जैसे एक बिलो एवरेज आदमी का वोटर पर ठीक है, एक खास हद तक ही हो सकता है ना, एक मफादात का एक जाल है जो इस आदमी ने ब्यूरोक्रेसी से लेके कारोबारी तबके तक और बाकी वर्कर्स की, वर्कर तो रह नहीं गया, आखिरी पॉलिटिकल वर्कर तहरीक पाकिस्तान के बाद वो पीपल्स पार्टी का था, या उधर वो जो थी ये इनकी ये क्या बली खान एंड कंपनी, वो भी बाद में कारोबारी हो गए। पंजाब में बड़ा टीका लगाया कारोबार इसको बनाने के लिए, अब तो वर्कर है ही नहीं, अब तो सौदागर है। सही, मुझे साइकिल स्टैंड का किसमें है ना उसकी, मुझे हॉस्पिटल की कैंटीन का ठेका ले दो, मुझे इधर भी इस तरह ऑब्लाइज करते हैं, ये खरीदार हैं और बाकी बिकाऊ माल है उसके। तो पीपल्स पार्टी इनके विकेट पे आए, खुल के खेले, तमाशा देख लें आप। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार, हमारे साथ मौजूद थे, उनकी अपनी राय है और बहुत गैर मुबम किस्म की राय है, और बहुत बुलंद अल्फाज में वो और आवाज़ में वो अपनी राय का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के जो मारूजी सियासी और समाजी हालात हैं, आप उनसे इत्तफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ख़ास सोच इस मुल्क के अंदर वो उसको लीड भी करते हैं। हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, देखते रहिएगा तब्दीली।